हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, हमारी जो कार है वो बन के आ गई है घर पर, और टोटल इसमें कितना खर्चा लगा था इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या खर्चा लगा था। क्योंकि सौरभ जी भी कमेंट कर रहे थे कि सर व्हील एक्सल जो आपका टूटा था तो कितना खर्चा लगा था, तो हम उनसे ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए व्हील जो एक्सल है वो हमारा नहीं टूटा और कार का जो चीज़ टूटा है तो ये चीज़ को वेल्डिंग मरवाने में कितना खर्चा आया है इस वीडियो में हम जानेंगे। एंड तक वीडियो आप प्लीज़ देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम आज आपको बताता हूँ कि क्या क्या हमारा सामान को मतलब रिपेयर हुआ है। और इसमें देखिए मैकेनिकल काम बहुत कम था क्योंकि व्हील एक्सल जो है जीएसटी टूटने की वजह एक्सल निकल गया था, तो मैकेनिकल का इसमें ज़्यादा काम नहीं था, इसमें केवल डेंटर का काम था। और मैं आपसे बताया हूँ कि मैं केवल मैकेनिकल का काम करता हूँ, डेंटर का काम नहीं करता हूँ। तो इसमें हम गैस वेल्डिंग पूरा करवाए हैं, जो मतलब पत्थर होती है, इसके जो पत्थर होती है ना उसमें गैस वेल्डिंग मतलब सक्सेस होता है। और देखिए इसमें हमको मतलब ज़्यादा कोई खर्चा नहीं पड़ा है, लेकिन लगभग मतलब ज़्यादा ही हो गया है क्योंकि एक गलती की वजह से आज हमको इतना रुपया मतलब लग रहा है। और गलती क्या हुआ था कि मतलब हाई स्पीड में गाड़ी चलाने के रहे थे, अचानक उसमें ब्रेक मारे तो उसमें गड्ढा था और गड्ढा में गिर कर इंजन पर चोट आया था। जो इंजन चोट आने की वजह से इसका जो चेसिस था वो पूरा मतलब नीचे से खदरने की वजह से पूरा मतलब फैल गया और बहुत बेकार से टूटा था। मैं वीडियो में आपको बताया भी था नाइट में डालकर, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो आई बटन में डाल दूंगा, उसको जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ से हमारी गाड़ी अंदर से टूटा था और कितना खर्चा आया है टोटली बनवाने में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये वाला जो टायर है, इस टायर में जो चेचिस लगा है उस चेचिस टूटा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ हम वेल्डिंग मरवाए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए गाइस ये देखिए, देखिए हम थोड़ा लाइट जला लेते हैं, ये देखिए गाइस कितना बेकार टूट गया था। तो ये देखिए पूरा खदर गया था, इसको वजह से टूटा है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये पूरा टूट गया था। तो यहाँ पर हम गैस वेल्डिंग मरवाए हैं, आप देख सकते हैं ये वाला है, इस पर पूरा टूटा था। और नीचे की तरफ आपके लेकर चल रहा हूँ गाइस, आप नीचे की तरफ थोड़ा देखिए, ये नीचे की तरफ देखिए गाइस, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ पूरा वेल्डिंग किया गया है। और गाइस तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पत्थर वेल्डिंग मारा गया है। और यहाँ पर देखिए गाइस ऐसे देखिए पूरा वेल्डिंग मारा गया है, और इसी में देखिए बहुत अच्छा तरह से वेल्डिंग मारा गया। और वेल्डिंग जो है, और इसमें हम आपको बताता हूँ कि क्या खर्चा पड़ा है। तो चलिए हम आपको बताता हूँ कि क्या खर्चा इसका पड़ा है वेल्डिंग मरवाने में। तो आप पहले अच्छे तरह से देख लीजिए कहाँ कहाँ वेल्डिंग मरवाया गया है। व्हील जो एक्सल है, ये वाला एक्सल जो है व्हील एक्सल है, आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वाला व्हील एक्सल है, ये वाला व्हील एक्सल क्या हुआ था कि अचानक ये निकल गया था। तो देखिए गाइस अगर व्हील एक्सल आपका निकल जाता है ना तो आगे मतलब गाड़ी नहीं बढ़ेगी, ना आगे होगी ना पीछे होगी, क्योंकि ये निकलने की वजह से आगे पीछे नहीं होती है कार। अगर ये दोनों लगा रहता है तो काम करता है, अगर एक निकल जाएगा ना तो काम नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा झटका देगी आपकी कार। तो आपको चलिए मैं दिखाता हूँ व्हील जो एक्सल है उसका मतलब वाशर जो है फाट गया था। तो आप देख सकते हैं, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा, तो व्हील एक्सल आप देख सकते हैं वहाँ पर है व्हील एक्सल का पैकिंग है। तो चलिए मैं उसको थोड़ा और नज़दीक चल कर दिखाता हूँ कि कहाँ पर है। तो आप देखिए गाइस, देखिए एक देख सकते हैं गाइस व्हील एक्सल का जो पैकिंग है वो फट गया है। देखिए अभी मतलब पैकिंग नहीं डाले हैं क्योंकि इसमें मैकेनिकल का काम अब नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं ये वाला व्हील एक्सल चेसिस को टूटने की वजह से व्हील एक्सल निकल गया था, ये पूरा बाहर आ गया था, इसके वजह से मतलब गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो आप देखिए यहाँ से टूट गया था,
तो अब चलिए हम इसको थोड़ा खर्चा के बाद बताते हैं कि मतलब इसमें कितना खर्चा आया था। तो दोस्तों देखे थे कि मतलब चेसिस मतलब काफ़ी टूट गया था और वेल्डिंग कहाँ कहाँ मरवाए थे, तो ये तो मतलब हम आपको बता दिए कि मतलब वेल्डिंग कहाँ कहाँ मरवाए थे, व्हील एक्सल भी निकल गया था। तो चलिए आज अब हम जानते हैं कि इसमें कितना खर्चा आया था और कितना मतलब हम दिए हैं पैसा। तो देखिए मांगने के लिए तो बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, लेकिन हम उसको दिए हैं मात्र 2000 रुपया। और देखिए मांगने के लिए वो 3000-3500 रुपये मांग रहे थे पूरा वेल्डिंग करवाई, तो लेकिन हम उसको 2000 रुपया दिए हैं। और वेल्डिंग मतलब आपसे बता रहा हूँ कि देखने में बहुत कम लग रहा है, लेकिन वेल्डिंग वो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करने के बाद वो अंदर की तरफ, जैसे गाड़ी में जो भी काम होता है गाड़ी को उठा कर ही काम होता है, इंजन को खोल के काम होता है, लेकिन वो इंजन के नहीं खुलवाए थे और मतलब नीचे से जैक लगा कर उठा कर उसके बाद से थोड़ा से गैप में वो घुस कर बहुत कठिनाई से वेल्डिंग मारे थे। तो उनको मतलब ज़्यादा 2000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, 2000 रुपये हम उनको दिए हैं बनाने के लिए, वेल्डिंग मारने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों आज से वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।